नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से देखिए यहाँ पे कुछ खबरी थोड़ी सी आ रही है कि 50,000 पदों पर भर्तियाँ कराया जाएगा इस साल में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हेडलाइन है, आपको मिल जाएगा कि नए साल के लिए आयोग ने शुरू की है तैयारियाँ। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में है, आपको पहले पेज पर ही मिल जाएगा ये, आप लोग देखिएगा उसमें। तो नए साल में कितनी भर्तियां आने वाली है, कौन कौन से पोस्ट से आने वाली हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लेखपाल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, सबसे ज़्यादा परिवार कल्याण से है। यहाँ पे देखिए लेखपाल के लिए आ रही है आपकी 7,882 वैकेंसी, यानी 7,882 वैकेंसी आ रही है। वहीं बेसिक शिक्षा के लिए 1,055, माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 और विभिन्न विभागों में लिपिक के लिए 7,000 वैकेंसी, यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए 7,000 वैकेंसी होगी। लेखा परीक्षा के लिए 1,303 वैकेंसी, ग्राम्य विकास के लिए 1,658 और परिवार कल्याण के लिए 9,222 वैकेंसी और बाल विकास पुष्टाहार के लिए 3,448 वैकेंसी। वहीं नगर निकाय के लिए 383 वैकेंसियाँ आयोग के यहाँ मतलब पद खाली पड़े हैं। अब देखिए इसमें से कितने पद भरे जाते हैं, कितनी वैकेंसियाँ फिल होती हैं, यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। ठीक है, और आगे है कि आयोग के पास 40,000 खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुँच गए हैं, कुछ और विभागों से 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा। ठीक है, तो नए साल में भैया परीक्षा होगी और यहाँ पे देखिए 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा और फिर भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र बांटे जाएंगे। तो भैया बहुत कम समय है यहाँ पे, तो आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल। योग्यता के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट स्नातक प्रोफेशनल कोर्स और तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे आवेदन करने वाले अपने ग्रुप के आधार पर आवेदन कर सकेंगे और आयोग को भी भर्ती परीक्षा कराने में आसानी होगी। पाठ्यक्रम होगा ऑनलाइन। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करेगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पे देखिए इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर आयोग के अध्यक्ष को देगी। आयोग सदस्यों की बैठक में सहमति के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। अब आगे भी देखिए जो सबसे बड़ी बात की जा रही है यहाँ पे कि धांधली रोकने के लिए क्या किया जा रहा है आयोग की तरफ से। आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित कराने जा रहा है, जिसमें SIT STF के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा कराने वालों के साथ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। उनके सुझावों के आधार पर भर्ती परीक्षा का प्रारूप तय किया जाएगा, जिससे धांधली रुक सके और परीक्षा समय पर भर्ती हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोग को भर्ती संबंधी अधिकार विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो भैया आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए यहाँ पे 40,000 पद जो है आयोग के पास अब अधियाचन पहुँच गए हैं, खाली है और 10,000 अधिक अभी आने वाले हैं, 10,000 से अधिक। तो भैया आप लोग बिल्कुल अब तैयार हो जाइए, 6 महीने में अगर भर्ती करा ली गई तो आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा, यानी कि नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा आयोग की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपको वो हिंदुस्तान वाले पेपर में मिल जाएगा, आप फ्रंट पेज पे ही देखेंगे, पहले पेज पे ही दिया हुआ है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर आ रखना, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।